ग्राफी आपके लिए काफी हेल्पफुल टू होंगे इन केस ऑफ लाइक अ टेस्टिंग गिवन नंबर इज इवन और ऑड ऑन लाइक दैट। इस टाइप के कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना पॉसिबल। चेक द गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ एन और डिविजिबल बाय एन लाइक दैट। इस केस में स्मॉल केस यूज किया है। जस्ट चेक द गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ थ्री और डिविजिबल बाय थ्री और नॉट। और कोई भी नंबर थ्री का मल्टीपल है कि नहीं, इसको किस टाइप के बेसिस पर, किस टाइप के लॉजिक से अप्लाई करके टेस्ट करना पॉसिबल है। इससे जस्ट पहले एक स्मॉल प्रॉब्लम प्रोवाइड कर रहा हूँ। लाइक सपोज दैट अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, पहले इस केस को टेस्ट कर दें। सम नंबर है जीरो, अगर जीरो को थ्री से डिवाइड करेंगे देन इस केस में जस्ट रिमाइंडर टेस्ट करना है। सेम एज अगर जीरो को थ्री से डिवाइड करेंगे देन इस केस में रिमाइंडर क्या जनरेट होगा, रिमाइंडर इज ऑल्सो जीरो। सेम एज अगर वन को थ्री से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में, ऑल्सो वन। टू को थ्री से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या जनरेट हो रहा है, रिमाइंडर इज ऑल्सो टू। सेम एज थ्री को अगर थ्री से डिवाइड किया जाए तो इस केस में रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज थ्री। अगर फोर को थ्री से डिवाइड करोगे, फोर को थ्री से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या क्रिएट होगा, लाइक दैट फोर डिवाइडेड बाई थ्री, वन मल्टीप्लाई बाई थ्री इज थ्री, सब्ट्रैक्टेड बाई फोर, फोर माइनस थ्री इज वन। इसके साथ रिमाइंडर क्या रहा है, रिमाइंडर इज वन। सिमिलरली फाइव डिवाइडेड बाई फोर डिवाइडेड बाई थ्री आर इज द रिमाइंडर ऑल्सो टू। देन सिक्स मॉड्यूलो थ्री रिमाइंडर इज जीरो। देन सेवन रिमाइंडर थ्री एंड मॉड्यूलो इज वन, लाइक दैट। सेम एज सम अदर केस, 8 modulo by 3 remainder is 2, 9 modulo by 3 remainder is 0, 10 modulo by 3 remainder is 1, 11 modulo by 3 remainder is 2, सिमिलरली 12 रिमाइंडर मॉड्यूलो बाई 3 रिमाइंडर इज जीरो, लाइक दैट। मीन्स अगर किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करने पर पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हैं, आइदर 0 और 1 और 2। मीन्स इस केस में पेयर्स के क्रिएट होगा, मीन्स लेस देन 3, सारे सारे रिमाइंडर्स कैसे हैं, मस्ट बी लेस देन 3। फर्स्ट वन 0 1 2, नेक्स्ट वन अगेन हैव यू डन सम मिस्टेक, 3 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ऑल्सो 0। देन अगेन क्या है इस केस में, 0 1 2, नेक्स्ट टाइम अगेन 0 1 2, देन अगेन 0 1 2, लाइक दैट। मीन्स किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करने पर पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या है, 0 1 और 2, लाइक दैट। इस केस में ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट क्या है, जितने भी नंबर्स 3 के मल्टीपल हैं उन सभी केसेस में रिमाइंडर क्या है, एग्जैक्टली 0। जैसे 3 3 का मल्टीपल था, रिमाइंडर क्या है, अगेन 0। सेम है 6 भी 3 का मल्टीपल है और 3 से डिवाइड करना पॉसिबल है, अगेन रिमाइंडर इज 0। सेम एस 9, 9 के केस में 9 भी 3 का मल्टीपल, इसलिए रिमाइंडर क्या है, 0। 12 भी 3 का मल्टीपल, इसलिए रिमाइंडर क्या है इस केस में, ऑल्सो 0। मीन्स इस केस में फाइनली कंक्लूजन क्या है, अगर कोई भी नंबर रिक्वायर्ड नंबर से डिवाइड होता है, मल्टीपल है, देन उस केस में आपको ऑलवेज रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0, अदरवाइज नॉन जीरो नंबर्स। नॉन जीरो मीन्स 1 और 2 इज कंसिडर्ड एज नॉन जीरो, 1 2 इज कंसिडर्ड नॉन जीरो, लाइक दैट। अगर किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करने पर पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे, आइदर 0 1 2 3 4, देन 0 और नॉन जीरो। मीन्स अगर कोई भी गिवन नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर क्या आएगा, 0, अदरवाइज नॉन जीरो। तो फाइनली इस केस में कंडीशन किसके रिस्पेक्ट में अप्लाई करेंगे, 0 और नॉन जीरो, देन अब गिवन प्रोग्राम और गिवन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इन दैट केस प्रॉब्लम क्या है इस केस में, चेक द गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट। अगर कोई भी नंबर 3 का मल्टीपल है, देन उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अगर नंबर 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 प्रोड्यूस कर रहा है, देन उस केस में कंसीडर करो, यस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। अदरवाइज दूसरा पॉसिबल केस क्या होगा, नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो रिमाइंडर प्रोड्यूस हो रहा है, देन उस केस में कंसीडर करेंगे, नो नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, लाइक दैट। यू आर राइटिंग दिस प्रोग्राम। सबसे पहले इस केस में अगेन रिक्वायर्ड वेरिएबल्स कितने हैं, ओनली सिंगल वेरिएबल्स। इस केस में कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, सिंपली टेस्ट क्या करना है, कंडीशंस, इंटीजर सम नंबर, देन रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम अ कीबोर्ड, प्रिंट टैब, लाइक दैट, एंटर नंबर स्लैश एन, देन इनपुट्स को रीड कराने के लिए यूज क्या करेंगे, एज अ स्कैनर फंक्शन, परसेंट डी
एट द सेट नंबर. देन कंडीशन क्या है इस केस में, इफ अगर नंबर थ्री का मल्टीपल है देन वेरिएबल नंबर थ्री से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो. अगर थ्री से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो, देन जीरो इक्वल इक्वल जीरो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ट्रू में. अगर कंडीशन ट्रू है देन बॉडी किसका एग्जीक्यूट, बॉडी पार्ट ऑफ इफ, देन इसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले करा लेंगे प्रिंट एफ यस नंबर इज मल्टीपल ऑफ थ्री और नंबर इज डिवाइडेड बाई थ्री. अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स है देन प्रिंट एफ नो नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ थ्री. इस सिचुएशन में डिस्प्ले क्या कराएंगे, मैसेज एज नो लाइक दैट. मीन्स इस केस में टेस्ट करने कुछ केसेस, फॉर एग्जाम्पल इस केस कुछ इनपुट्स पार्ट कर रहा हूँ, इनपुट वन इनपुट टू लाइक दैट. इनपुट वैल्यू फर्स्ट टाइम एंटर किया मैंने समथिंग फोर, नेक्स्ट टाइम समथिंग नंबर एज फाइव, नेक्स्ट टाइम नंबर एज सिक्स. करेंटली इस केस में वेरिएबल क्या क्रिएट हुआ है, वेरिएबल एज नंबर. बेसिक्स डायग्राम प्रोवाइड कर रहा हूँ विदाउट यूजिंग स्टैक. इस केस में इनिशियली वेरिएबल क्रिएट हुआ नंबर, देन मॉनिटर के अकॉर्डिंग बात करें फर्स्ट वन फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो प्रिंट एफ के अकॉर्डिंग मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा समथिंग एंटर नंबर. देन स्कैन एफ के थ्रू सपोज दैट मैंने नंबर एंटर किया फर्स्ट टाइम इनपुट वैल्यू है फोर, अगर नंबर फोर है देन वेरिएबल नंबर का वैल्यू क्या हुआ इस केस में, ऑल्सो फोर. देन कंडीशन टेस्ट करेंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे करेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल नंबर विच इज फोर, देन फोर मॉड्यूलो बाई थ्री. इस केस में टोटल टू ऑपरेटर्स यूज किए मॉड्यूलो एंड इक्वल इक्वल, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका मॉड्यूलो का और रिमाइंडर का, फोर मॉड्यूलो थ्री, फोर को थ्री से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर इज वन, रिमाइंडर इज वन. देन कंडीशन टेस्ट होगा वन इक्वल इक्वल जीरो, कंडीशन इज फॉल्स बिकॉज वन इज नॉट इक्वेलेंट टू जीरो. कंडीशन फॉल्स है देन फॉल्स के केस में चांस किसको मिलेगा, बॉडी ऑफ एल्स ब्लॉक, और एल्स ब्लॉक के अकॉर्डिंग डिस्प्ले क्या हो जाएगा, नो नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ थ्री. सेकेंड केस नेक्स्ट टाइम सपोज दैट नेक्स्ट टाइम अगर नंबर का वैल्यू फाइव एंटर किया, अगेन नेक्स्ट लेवल से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग एंटर क्या किया था फोर, फोर रियल में थ्री का मल्टीपल नहीं था इसलिए डिस्प्ले क्या हुआ इस केस में, नो नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ थ्री. नेक्स्ट टाइम सेम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अगेन स्टार्ट किया तो सबसे पहले फिर से वेरिएबल क्रिएट हुआ नंबर, नेक्स्ट टाइम प्रिंट एप के थ्रू मैसेज डिस्प्ले जाएगा जा एंटर नंबर. इस केस में सपोज नंबर एंटर किया जाए सिक्स अकॉर्डिंग टू स्कैन एफ फंक्शन, अगर नंबर का वैल्यू एंटर किया समथिंग सिक्स, देन सिक्स आसानी किस में जाएगा, गिवन वेरिएबल नंबर के अंदर इन साइड मेमोरी प्लेस ऑफ नंबर. देन नेक्स्ट वन इस केस में कंडीशन क्या प्रोवाइड किया था, नंबर मॉड्यूलो बाई थ्री. अगेन टेस्ट करते हैं अगर नंबर का करेंट वैल्यू क्या है थ्री, देन वेरिएबल नंबर के सॉरी नंबर का करेंट वैल्यू एंटर क्या किया सिक्स, सिक्स केस में नंबर के प्लेस पर रिप्लेस कराएंगे वैल्यू है सिक्स, सिक्स को थ्री से डिवाइड करें तो उसके इसमें रिमाइंडर क्या प्रोड्यूस होगा जीरो, इसके इसमें रिमाइंडर क्या है जीरो. देन जीरो इक्वल इक्वल जीरो कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन इसके इसमें रिटर्न क्या होगा वन, वन के अकॉर्डिंग कंडीशन ट्रू है देन डिस्प्ले क्या होगा करेस्पॉन्डिंग बॉडी ऑफ इफ, जब इसका बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हुआ देन मैसेज क्या प्रिंट हुआ यस यस नंबर इज मल्टीपल ऑफ थ्री. रियल में अगर सिक्स की बात करें तो सिक्स कैसा है, सिक्स इज मल्टीपल ऑफ थ्री, देयरफॉर मैसेज क्या डिस्प्ले हुआ इस केस में यस. इसी केस में सेम कंडीशन प्रोवाइड करने का अदर वे क्या यूज कर सकते थे, मीन्स कंडीशन डिफरेंट टाइप से भी राइट करना पॉसिबल था. प्रीवियस केस में कंडीशन क्या प्रोवाइड किया, नंबर मॉड्यूलो थ्री इक्वल इक्वल जीरो, और डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते थे समथिंग नंबर मॉड्यूलो थ्री. इस केस में पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे, मीन्स जो भी नंबर का वैल्यू, नंबर जब थ्री से डिवाइड हुआ तो स्पेस पर रिप्लेस क्या हुआ जीरो और मे बी वन और मे बी टू. अगर इस केस में रिमाइंडर जीरो आ रहा है देन इस केस में नंबर तो थ्री का मल्टीपल है लेकिन जीरो इटसेल्फ क्या है फॉल्स. ऑलरेडी डिस्कस किया था सी के अंदर जीरो का मीनिंग क्या रहता है फॉल्स, नॉन जीरो मीन्स ट्रू. इस केस में कोई कंपैरिजन परफॉर्म नहीं कराया, सिंपली राइट किया ओनली नंबर मॉड्यूलो थ्री. अगर इस प्लेस पर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट जीरो आता है, जीरो मीन्स फॉल्स, फॉल्स है देन कंट्रोल कहाँ जाएगा एल्स ब्लॉक में, जीरो आ रहा है इसका मतलब क्या नंबर मल्टीपल है तो आप नो के प्लेस पर क्या डिस्प्ले कराएंगे एल्स ब्लॉक के अंदर मैसेज एज यस. दूसरा केस अदर केस क्या हुआ, रिमाइंडर आइदर वन
और 2. अगर रिमाइंडर या तो 1 आ रहा है या 2 आ रहा है, 1 और 2 दोनों क्या नॉन जीरो नंबर्स. नॉन जीरो मीन्स नंबर देखा जाए तो नंबर मल्टीपल नहीं, लेकिन 1 और 2 इस केस में रिप्रेजेंट क्या करेंगे, 2. ट्रू है तो इस केस में कंट्रोल करने जाएगा इनसाइड बॉडी ऑफ इफ. 1 और 2 रिमाइंडर किस केस में आएगा, नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, देन इस केस में क्या स्पीकर आने जस्ट नो. मीन्स अगर कंपेरिजन करा रहे हैं यूजिंग इक्वल इक्वल, देन इफ के अंदर राइट करेंगे यस, अदरवाइज नो. अगर आपने विदाउट कंपेरिजन पॉइंट किया, इस टाइप से कंडीशन राइट किया, इट इज ऑल्सो वैलिड एग्जाम्पल. इस केस में रिमाइंडर 0 आया है, 0 मीन्स फॉल्स, फॉल्स के केस में क्या डिस्प्ले है यस, क्यों होना भी चाहिए. 0 किस केस में आएगा, इन केस ऑफ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3. देन 1 और 2 किस केस में आएगा, नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, देन इस केस में क्या डिस्प्ले होगा, नो.